कुछ ही साल पहले ऑफिस के काम का स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया था कि मुझे रात में नींद आनी बंद हो गई थी। डॉक्टर के कहने पर मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ दिन के लिए छुट्टियों पर शिमला चला गया। हमने वहां शहर के शोर से दूर एक कॉटेज बुक कराया था। लंबी जर्नी की वजह से सभी लोग काफी थक चुके थे और जल्दी सो गए, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। आधी रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा कि मेरी बेटी रिया दरवाजे पर खड़ी होकर किसी से बात कर रही थी, पर दरवाजे के बाहर कोई नहीं था और वो खुद से ही कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं ये देखकर थोड़ा घबरा गया और फौरन हॉल की लाइट ऑन की, पर वहां कोई नहीं था, रिया भी नहीं। मैंने उसके कमरे में जाके देखा तो वो बहुत इत्मीनान से सो रही थी, और जब मेरी नजर खिड़की की ओर गई तो ऐसा लगा कि कोई लड़की मुझे घूर के देख रही है। फिर मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरी नींद ना आने की बीमारी का असर है, और मैं जाके अपने कमरे में लेट गया। लेकिन अगले दिन रिया को बहुत तेज बुखार चढ़ गया और वो अनाप शनाप चीजें बोलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया हो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी घबराहट महसूस नहीं करी थी जैसे तब कर रहा था। उसे संभाल पाना मुश्किल हो रहा था, तो हमने उसे बेड से बांध दिया और नींद का इंजेक्शन देकर शांत कराया। मैं रिया के पास ही बैठा था जब मेरी नजर खिड़की के बाहर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। कल रात की तरह वो मुझे ही घूरे जा रही थी। मैंने पास जाके खिड़की खोली तो वहां कोई भी नहीं था, पर फिर जैसे ही मैं पलटा मेरी बेटी रिया हवा में लटकी हुई मुझे देख के हंस रही थी। पहली बार मुझे अपनी बेटी को देख के डर लगा। समझ ही नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। मैं डर के मारे चिल्ला उठा, रिया बेटा क्या हुआ तुम्हें, रिया क्या हो रहा है तुम्हें। मेरी चीख सुन के मेरी पत्नी, मेरा बेटा और कॉटेज का केयरटेकर कमरे के अंदर आए। उनके अंदर घुसते ही रिया और गुस्से में आ गई। उसने मुझे पीछे धक्का दिया और कुछ लगाते हुए बहुत जोर जोर से अपना सर घुमाने लगी और चक्कर खा के नीचे गिर पड़ी। जो उसके बाद हमने देखा उससे हमारे परिवार के होश उड़ गए। रिया की सांसें रुक चुकी थी, गर्दन टेढ़ी थी और शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था। वो इस दुनिया को छोड़ के, हम सबको छोड़ के जा चुकी थी। वो केयरटेकर ये सब देखकर उस रात पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हमने उसको ढूंढने के लिए पूछताछ करवाई तो मालूम पड़ा कि उस आदमी को मरे हुए 15 साल हो गए और वो कॉटेज एक कब्रिस्तान पे बना था। मुझे आज भी ढंग से नींद नहीं आती है। उस दिन से ऐसे लगता है जैसे कोई हर रात मुझे घूर के देख रहा हो। शायद वो कॉटेज वाली लड़की, या वो केयरटेकर, या शायद मेरी बेटी।